हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे व्लॉग में। और आज करवा चौथ का व्रत है, आप सबको हैप्पी करवा चौथ। और हम भी किए हैं, तो हम भी जा रहे हैं पोखरा, जो पान पता देके मतलब ऐसी कहते हैं वो बोला। तो देखिए हम तैयारी कर रहे हैं, ये अगरबत्ती है, ये सेब है, ये अनारस है, और ये देखिए ये गमला है, और ये सेब है, और ये देखिए नारियल है। इतना फल लिए हैं, और इसमें हम पूजा का सामान लिए हैं। देखिए अगरबत्ती है, यहाँ पे रखे हैं, और दुकान से अरवा चावल है, धान है, पान पत्ता है, आलता पत्ता है, सुपारी है, कपूर है, और सिंदूर भी है, मोली सूता है, रोली भी है, और ये देखिए चालन भी लिए हैं, और ये लोटा जिसमें पानी उठाते हैं वहाँ पे। तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पोखरा, आप लोगों को भी वहाँ दिखाएंगे, पूजा करेंगे। तब हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो फ्रेंड देखिए, लोग घर से निकल चुके हैं, रास्ते में ही हैं, जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे तो फ्रेंड्स हम लोग देखिए पोखरा पहुँच चुके हैं, और थाली रख के आए हैं, और जाकर के पूजा स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे पहले लोटिया देते देखेंगे ये ना, ये है ना, हाँ भोलना बेदा से झूमेला डालिया ताने देखा सबके सुनना चाहती बंद हो गया पता नहीं तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग आए थे यहाँ पूजा करने के लिए, मतलब पोखरा, और हम लोग का पूजा हो चुका है, और अब हम लोग जाते हैं अब घर की ओर। उसके बाद वीडियो में जुड़े रहिएगा, आगे आप लोगों को दिखाएंगे और भी बहुत कुछ। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग पूजा करके घर आ चुके हैं, और चांद निकल गया है लेकिन दिख नहीं रहा है, बादल में छिप गया है। अब चांद निकलेगा तब न मेरा व्रत खुलेगा, तो देखते हैं कब तक चांद निकलता है। तो फ्रेंड्स देखिए चांद निकल आया है लेकिन मेरे घर से दिख नहीं रहा है, और हमको प्यास ही बहुत लग गया है, तो जाके देखते हैं कहाँ से चांद दिखेगा।
तो फ्रेंड्स देखिए चांद दिख गया है अनागर से, तो अब हम जाते हैं चांद देखेंगे और व्रत खोलेंगे। तो फ्रेंड्स मेरा व्रत खुल चुका है, तो अब जा कर के थोड़ा सा फल वगैरह खा लेते हैं, थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं तो अच्छा लगेगा। और अब रखते हैं, बाय फ्रेंड्स।